लगा गधों का मेला, करोड़ों का कारोबार, सलमान की कीमत सबसे ज्यादा, अक्षय शाहरुख और कैटरीना भी आए। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश में एक अनोखा बाजार सजा है। इस बाजार में अगर कोई भूला भटका शख्स पहुंच जाए तो वह कवि ओम प्रकाश आदित्य की मशहूर कविता की उन लाइनों को इत्तेफाक जताता हुआ नजर आएगा, जिसमें लिखा है, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखा हूँ गधे ही गधे। दरअसल सतना जिले में चित्रकूट के मंदाकिनी तट पर मंगलवार से 2 दिवसीय गधा मेला की शुरुआत हुई है। इस मेले में पहुंचने वाले गधे और खच्चर भी खास होते हैं। इनके मालिक इन्हें कद काठी रंग रूप और व्यवहार के आधार पर इनका नाम रखते हैं। ये नाम भी आम चलन के नहीं होते हैं। इनमें कोई शाहरुख होता है तो कोई अक्षय होता है, किसी को सलमान पुकारा जाता है तो किसी को कैटरीना। इस दौरान खरीदार उनका मुआयना कर रंग रूप और कद काठी के आधार पर मोल भाव करते हैं। इस मेले में यूपी और एमपी के पशुपालक अपने अपने गधे बिक्री के लिए लेकर पहुंचते हैं। चित्रकूट में इस मेले के आयोजन की शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब ने कराई थी। तभी से चित्रकूट के नया गांव में प्रतिवर्ष यह अनोखा मेला सजता रहा है। पड़वा से शुरू हुआ मेला भाई दूज तक चले गए। सैकड़ों की तादाद में इस वर्ष भी गधे और खच्चर यहां लाए गए हैं। इनका व्यापार करने वाले लोग इस दिन के लिए साल भर तैयारी करते हैं और अपने गधों का प्रदर्शन इस मेले में करने के लिहाज से उनका पालन पोषण करते हैं। इनके नाम भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। गधों की बिक्री में पूर्व वर्षों की अपेक्षा बेहद कमी आई है। बावजूद इसके परंपरा का पालन करने कारोबारी चित्रकूट पहुंचते हैं। उनका कहना है कि धंधा भले ही कम होता है, लेकिन भगवान कामतानाथ के दर्शन, कामदगिरी की परिक्रमा और मंदाकिनी में दीपदान का अवसर भी मिल जाता है और पीढ़ियों की यह परंपरा का निर्वाह भी हो जाता है। इसलिए वे मेले में शामिल होने हर वर्ष आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।